महाराष्ट्र और कर्नाटक दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दो रैली को करेंगे संबोधित, नांदेड़ और परभणी में जनसभा। मथुरा में बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी के लिए प्रचार करेंगे अमित शाह, वृंदावन में जनसभा को संबोधित किया जाएगा। राजस्थान जाएंगे गृहमंत्री अमित शाह, भीलवाड़ा में बीजेपी प्रत्याशी के लिए करेंगे प्रचार, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बिहार के भागलपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी करेंगे जनसभा, तेजस्वी यादव मुकेश सहनी भी मौजूद होंगे। आज अमरोहा में राहुल गांधी और अखिलेश यादव करेंगे संयुक्त रैली, दानिश अली के लिए मांगेंगे वोट। राजस्थान में सीएम योगी आदित्यनाथ भरेंगे हुंकार, आज तीन जनसभाओं को करेंगे संबोधित, बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगे जाएंगे वोट। लोकतंत्र के बहाने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर हमला, कहा यह बीजेपी के हाथ से देश को आजाद कराने की लड़ाई है। ओवैसी का बीजेपी पर हैदराबाद का माहौल खराब करने का आरोप है, कहा वो तीर चलाएंगे, हम उनका जवाब मोहब्बत के साथ देंगे। पहले चरण की वोटिंग पर पीएम मोदी का बयान, रिकॉर्ड संख्या में एनडीए के पक्ष में वोट डले हैं, अखिलेश तेजस्वी ने अपनी जीत का किया दावा। महाराष्ट्र के वर्धा में चुनावी रैली के दौरान विपक्ष पर बरसे प्रधानमंत्री, कहा कि इंडिया गठबंधन की सोच देश विरोधी और किसान विरोधी सोच है। चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरी अखिलेश यादव की बेटी, मैनपुरी में मां डिंपल यादव के लिए किया प्रचार, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। सिरसा से बीजेपी प्रत्याशी अशोक तंवर का लोगों ने किया विरोध, स्थानीय लोगों ने दिखाए काले झंडे। पंजाब के फजलका में शिवसेना उम्मीदवार पर जानलेवा हमला हुआ, हमले में उम्मीदवार समेत तीन लोग घायल हुए हैं, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं। मध्य प्रदेश के बैतूल में बस हादसे में 21 जवान हमारे घायल हो गए, चुनाव ड्यूटी पर लौट रहे थे 44 जवान, ट्रक से टकराए, टक्कर के बाद खाई में गिर गई बस। ओडिशा में महानदी में पलटी 50 से 60 लोगों से भरी हुई नाव, अब तक एक की मौत हुई है, 7 लोग लापता है, 45 लोगों को बचाया गया। फायरिंग के बाद अभिनेता सलमान खान के घर पहुंची लॉरेंस बिश्नोई के नाम से बुक की गई कैब, पुलिस ने गाजियाबाद से युवक को गिरफ्तार कर लिया। मुंबई के छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को बड़ी सफलता, पिछले 3 दिनों में 5 करोड़ रुपए का 9 किलोग्राम से ज्यादा सोना बरामद, 8 यात्री भी गिरफ्तार। गुरुग्राम में पार्षद की दबंगई, गैंगस्टर भाई के साथ मिलकर पड़ोसी परिवार पर जानलेवा हमला करने का आरोप है, 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हरियाणा रोडवेज के बसों में QR कोड सेवा शुरू की गई, यात्रियों को खुले पैसे देने की समस्या से मिलेगी निजात, डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भी किराया दे सकेंगे यात्री। यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे आज जारी हो जाएंगे, दोपहर 2 बजे बोर्ड मुख्यालय प्रयागराज से नतीजों को जारी करेगा। हिमाचल में तूफान का कहर, मनाली में पेड़ गिरने से 12 से ज्यादा गाड़ियों और घरों को नुकसान पहुंचा, 6 जिलों में अलर्ट जारी है। बरसात के बाद फतेहगढ़ साहिब पहुंचे सीएम भगवंत मान, बरसात से खराब हुई फसल की मांगी गई रिपोर्ट। नोएडा के लॉजिक्स मॉल में टड़ा बड़ा हादसा, मॉल की छत गिरी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। अंबाला में किसानों का प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी रहा, अंबाला अमृतसर रेल खंड पर 40 ट्रेन रद्द की गई, यात्रियों को हुई भारी परेशानी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आग का तांडव, रंग महल गार्डन और संगम वाटिका में लगी आग, लाखों का सामान जल करके राख हुआ। जी न्यूज़।